नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखिए पीछे चित्र बना हुआ है बोर्ड पे, तो आप लोग देख के बताइए कि ये किस चीज़ का चित्र है। ठीक, बाकी हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें पीछे लिखा हुआ है क्या, अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा, अपरा इसका हिंदी नाम है, प्लेसेंटा इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, और इसी को गर्भनाल भी कहा जाता है। देखिए इस चित्र को देख के क्या लग रहा है, लग रहा है कि जैसे क्या एक पपीता है जिसको उल्टा करके रख दिया गया है। ठीक, तो जो प्लेसेंटा होती है इसको गर्भनाल बोलते हैं। इसका व्यास जो होता है 18 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अप्रॉक्स में बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक, तो अब जो गर्भाशय होता है, जो स्टार्टिंग में बेबी होता है, स्टार्टिंग में क्या पूरे 9 महीने तक वो गर्भ में ही रहता है, तो उसके अंदर जो पोषण होते हैं या पोषक तत्व होते हैं या उसका पोषण जो होता है वो कैसे होता है, ये सब चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। या फिर उसका श्वसन कैसे होता है, श्वसन के बाद वो जो उत्सर्जन करता है, क्योंकि वो भी एक सजीव ही होता है ना, माँ के पेट में होता है तो वो भी सजीव ही होता है, तो उसका पोषण कैसे होता है, ये सब चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। अब उसमें उत्सर्जन करता है जो कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ वो उत्सर्जित करता है, तो वो कहाँ से बाहर निकलता है, उससे वेस्टेज होता है जो, वो बाहर कहाँ से निकलता है, या फिर उसको जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो शरीर में कहाँ से मिलता है उसको, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो भ्रूण होता है स्टार्टिंग में वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है, जब वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है तो वो गर्भाशय से नहीं जुड़ा होता है। अब चूंकि वो जब गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता तो बात यह आती है कि उसको पोषक तत्व कहाँ से मिल रहे हैं, उसका पोषण कहाँ से होता है। तो जब वो कुछ दिन तक ब्लास्टुला अवस्था में होता है तो उसमें स्वयं का पोषण होता है, उसी के तहत वो पोषक तत्वों को प्राप्त करता रहता है। ठीक, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो ब्लास्टुला होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक सतह बन जाती है, ब्लास्टुला के चारों तरफ एक एक ऐसे सतह बन जाती है। ठीक है, तो वो जो सतह होती है जिसे हम बोलते हैं कोरियोन या जरायु कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे कोरियोन या जरायु कहते हैं। ठीक है, अब जो कोरियोन या जरायु होता है इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, इसकी जो आंतरिक, देखते हैं कोरियोन कहाँ है इसमें, देखिए ये रहा कोरियोन, ये पूरा जो ये है ये क्या है, ये कोरियोन है। ठीक है, ये देखिए ये पहले ब्लास्टुला था, ब्लास्टुला अवस्था में था, फिर उसके बाद इसके बाहर एक सतह बनी, फिर ये पूरा क्या है, ये कोरियोन है। अब ये जो कोरियोन की आंतरिक सतह है, देखिए ये आंतरिक सतह है, इसको बोलते हैं क्या, एमनियोन। आंतरिक सतह जो होती है इसको बोलते हैं एमनियोन। ठीक है, तो अब एमनियोन झिल्ली जो होती है इसके भीतर में, एमनियोन झिल्ली के भीतर में एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको बोलते हैं क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। इसी फ्लूइड के अंदर जो बच्चा होता है पूरे 9 महीने तैरता रहता है, जो फ्लूइड होता है उसी के भीतर जो बच्चा होता है वो 9 महीने तक तैरता रहता है। ठीक है, अब जो कोरियोन होता है, ये देखिए कोरियोन, जो कोरियोन होता है इसमें ऐसे उंगली नुमा, ऐसे जैसे मेरी उंगली होती है, देखिए ऐसे टेढ़ी करेंगे ऐसे, तो उंगली नुमा ऐसे, या फिर इधर से देखें उंगली नुमा संरचना रहती है, जिसे हम बोलते हैं जरायु या अंकुर, या फिर बोलते हैं एमनियोन बिल्ली। ठीक, तो ये जो अंकुर होता है ये कोरियोन का संबंध कहाँ से करता है, भाई ये कोरियोन है। ठीक है, ये पूरा क्या है, गर्भाशय है। ठीक है, इसमें जो उंगली नुमा संरचना होती है इसको गर्भाशय से जोड़ के रखती है। ठीक है, और ये उसका संबंध बनाता है। ठीक है, तो गर्भाशय के अंतः स्तर के अंकुर तथा जो कोरियोन के बिलाई होते हैं, मतलब जो उंगली नुमा संरचना होती है कोरियोन के जो बिलाई होते हैं वो परस्पर संबंध बनाते हैं। जब संबंध बनाते हैं तो एक नलिका का निर्माण करते हैं जिसे, और एक जोड़ बनाते हैं। ये जो नली होती है इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा या गर्भनाल कहते हैं, जो नली होती है इसी को हम प्लेसेंटा या गर्भनाल कहते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे पूरा क्या, ये प्लेसेंटा बना हुआ है ना। ठीक है, और ये जो है ये जाके जो भ्रूण होता है उसकी नाभि से जुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा कॉर्ड, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कॉर्ड। ठीक, अब जो प्लेसेंटा के अंकुर होते हैं, जो प्लेसेंटा में बिली निकली रहती है, देखिए बिली ये क्या होती है, ये बिली जो गर्भाशय होती है उसकी दीवार से जुड़ी रहती है। ठीक है, और ये जुड़ के एक दूसरे के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि
जो प्लेसेंटा होती है इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक, भाई शरीर में कोई भी अंग होगा तो वो बिना मतलब के तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका कार्य होगा ना। तो बात आती है कि जो बच्चा होता है भाई उसको अलग से तो कोई खाना देता है नहीं। हम लोग हैं, हमको भूख लगती है, हम तो खाना निकाल के खा लेते हैं, मांग लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको खाना कहाँ से मिलेगा। ये सब चीज़ें सोचने वाली बातें हैं ना। तो पहला नंबर तो उसका पोषण होता है। तो जो माता होती है तो उसके ब्लड में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं ना, तो वो पोषक तत्व इसी प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण तक पहुंचता है। इसी प्लेसेंटा के माध्यम से कहाँ तक जाता है, भ्रूण तक पहुंचता है। दूसरा क्या है, श्वसन। ठीक, अब बात आती है कि उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो उत्सर्जित करता है वो बाहर कहाँ से आती है। ठीक, तो जो माता होती है या फिर जिसको बोलते हैं कि जच्चा, ठीक, वो क्या करती है, वो तो उसमें श्वसन की क्रिया होती है, तो चूंकि वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा के पास जाती है, प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे में भी एंट्री करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होती है वो ब्लड से विसरित होके बाहर आती है। ठीक, अब फिर तीसरा क्या है, उत्सर्जन। जो भ्रूण में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो उसके द्वारा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बहुत से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निकलते हैं, और ये नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे विसरित होते हैं, ब्लड में। अब वो कैसे विसरित होते हैं, जो प्लेसेंटा होती है उसी के थ्रू विसरण की क्रिया होती है, और जो वेस्टेज होते हैं वो कहाँ आते हैं, गर्भाशय से बाहर आते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, रोग प्रतिरक्षा। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो हॉस्पिटल में जाती है। ठीक, अब हॉस्पिटल में क्या करने जाती है, उनको विभिन्न तरीके के एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं टीके, बहुत से टीके लगाए जाते हैं। अब जैसे उसमें खसरा हुआ, पोलियो हुआ, चेचक हुआ, डिप्थीरिया हुआ, आदि विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होता है उसी प्लेसेंटा के माध्यम से उस बच्चे के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। ठीक, और फिर होता है रोगजनक का परिवहन। रोगजनक का परिवहन, ठीक दिख रहा है ना, हाँ, रोगजनक का परिवहन। तो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि कोई लेडी है वो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गई। ठीक, तो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से, अब वो चूंकि वो मान लो किसी ऐसे बीमारी से इन्फेक्टेड हुई जिस बीमारी का जो कॉज था वो वायरस था या विषाणु था, तो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से वो बीमारी उस बच्चे में भी पहुंच जाती। तो इसका यही एक सबसे बड़ा नुकसान है कि उसी प्लेसेंटा के माध्यम से उसमें, उस जो बच्चा होता है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, अब एक है क्या, हार्मोन्स का सेक्रेशन, या फिर हार्मोन्स का स्रावित होना, या हार्मोन्स का रिसाव। ठीक, तो गर्भावस्था के दौरान ये जो प्लेसेंटा होती है इसी के माध्यम से क्या, कोरियोनिक गोनेडोट्रेपिन। ठीक, एक कोरियोनिक हार्मोन्स है, दूसरा है गोनेडोट्रेपिन, तीसरा है एस्ट्रोडियोल, और चौथा है, एक है कोरियोनिक, दूसरा है गोनेडोट्रिपिन, तीसरा है एस्ट्रोडियोल, और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन। इनका जो ये जो ये चार हार्मोन्स बताए हैं ये विसरित होते हैं। ठीक है, तो सॉरी स्रावित होते हैं। ठीक, और तो इस प्रकार जो बच्चा होता है उसका पोषण होता है, और वो फिर जब उसका समय पूरा होता है तो फिर माँ के गर्भ से बाहर आता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा हो, लाभदायक हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।